हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच जो तीसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा, इसकी ग्रैंड लीग की टीम्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुने, ये स्पेशल ग्रैंड लीग की वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग खास करके ये जानेंगे कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है और वो आपको ग्रैंड लीग में अच्छा खासा रैंक दिलाने पाए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में नीतीश रेड्डी के बारे में बताया था। और इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो दोस्तों, विकेट कीपर सेक्शन से अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो आपके पास तीन ऑप्शन है, यहाँ पर संजू सैमसन, लिटन दास और जाकिर अली। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडिया ये सीरीज जीत चुकी है, तो इंडिया की तरफ से आपको बदलाव भी हो सकते हैं। कौन कौन से बदलाव होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन फिलहाल तो दिख रहे हैं वो संजू सैमसन और लिटन दास। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं लिटन दास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों संजू सैमसन भी अभी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। पॉइंट्स देखा जाए तो अभी मात्र 59 पॉइंट ही दिए हैं। तो लिटन दास भी इस मुकाबले के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फिलहाल तो हम लोग पहले टीम में लिटन दास को नहीं लेंगे, लेकिन आगे की टीम में लिटन दास को लेकर चलेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहाँ पर मैं फिलहाल संजू सैमसन को अपनी टीम में रख रहा हूँ। अब इसके बाद बैटिंग सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को ज्यादातर बैट्समैन ऐसे दिखेंगे जो कि अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। उनमें से एक नाम है दोस्तों अभिषेक शर्मा का। जैसा ही इनका परफॉर्मेंस दिख रहा है, ये दोस्तों ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बहुत ही तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल दोस्तों इनका बल्ला उतना ज्यादा देर तक चल नहीं रहा है, लेकिन इस मुकाबले में इनका बहुत ज्यादा चांस है कि ये अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको अपनी टीम में जो आप लोग स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं हेड टू हेड में, तो इनको कप्तान रख सकते हैं, ये सेफ ऑप्शन रहेंगे। सूर्य कुमार यादव भी सेफ रहेंगे, भले ही दोस्तों इनका बल्ला भी ना चला हो। दोनों दोस्तों हमारे अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव मात्र 85 पॉइंट और 60 पॉइंट ही दिए हैं। तो दोनों अभी आउट ऑफ फॉर्म में है, लेकिन बल्ला भी खामोश है, जल्दी आउट हो जा रहे हैं। नजमुल हुसैन सांतो भी दोस्तों मात्र 67 पॉइंट दिए हैं, ये भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। पिछले मुकाबले में रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ पाली खेली थी और 54 रन की इन्होंने पारी खेली थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अगर पहले टीम बैटिंग करेगी इंडिया तो आपको इस रिंकू सिंह को लेना है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। नीचे से दोस्तों परवेज हुसैन इमोन की बात करें तो ये तो दोस्तों अभी नए खिलाड़ी हैं, तो इन पर आपको कम ही फोकस करना है। तोहेड होरडे भी अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो बैटिंग सेक्शन में देखा जाए तो सारे खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही लोगों ने यहाँ पर अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव पर भरोसा जताया है। तो दोस्तों जो हमारी पहली टीम रहेगी, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लेकर चलेंगे बैटिंग सेक्शन से तीन खिलाड़ी को, जो कि हमारे सूर्य कुमार यादव रहेंगे, अभिषेक शर्मा और नजमुल हुसैन सांतो। यहाँ पर दोस्तों आप लोग रिंकू सिंह पर आपको फिर से फोकस करना है टॉस के हिसाब से, जो कि मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम पर। तो नहीं ज्वाइन किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। रिंकू सिंह को आपको तभी लेना है जब इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे, क्योंकि चेस करते समय हो सके कि ज्यादा रन का टारगेट ना हो और टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी टारगेट चेस कर दें। अब इसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे अच्छे ऑलराउंडर दिखेंगे जो कि अच्छे फॉर्म में है। उनमें से एक नाम है दोस्तों यहाँ पर नीतीश रेड्डी और हार्दिक पांड्या इंडिया की तरफ से। तो नीतीश रेड्डी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, खुलकर बताया था, साफ साफ बताया था, आप लोग इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, जाकर मैंने वीडियो भी अपलोड की है। तो दोस्तों नीतीश रेड्डी पिछले मुकाबले में तो परफॉर्मेंस लाजवाब किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर बार करेंगे। यहाँ पर इस मुकाबले में जहां तक मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या फिर से दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो हार्दिक पांड्या, नीतीश रेड्डी को तो यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे ही। साथ में दोस्तों मेहदी हसन मिर्जा और यहाँ पर राशिद हुसैन भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, दोनों ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। अगर दोस्तों इस मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर खेलते हैं और महमदुल्ला, तो इन दोनों पर दोस्तों आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, इन दोनों को बहुत ही कम लोगों ने लिया है। तो वाशिंगटन सुंदर और महमदुल्ला इस मुकाबले के लिए हमारे ऑलराउंडर सेक्शन से ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। अगर ये दोनों खेलते हैं तो वाशिंगटन सुंदर का वैसे भी खेलने का चांसेस कम है, हो सके रवि बिश्नोई को मौका मिले जो कि बेंच पर बैठे हैं। तो यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन से हम लोग ने चार यहाँ पर ऑलराउंडर्स को लिया है, जिसमें से चारों के चारों दोस्तों टॉप ऑर्डर के ऑलराउंडर्स हैं जो कि सेफ ऑप्शन है। और आपको ग्रैंड लीग की टीम ऐसी बनानी है जिसमें दोस्तों आप लोग सेफ खिलाड़ी को भी रखें और कुछ खिलाड़ी रिस्की रखें जो कि आपको अच्छा खासा पॉइंट्स दिलाएं, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप लोग को थोड़ा अलग हट के रखना है। अब इसके बाद बॉलर्स की बात करें तो बॉलिंग में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी दोस्तों, क्योंकि सभी लोग आंख बंद करके यहाँ पर हरदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती को ले रहे हैं।
लेकिन इन दोनों में से किसी एक का इस मुकाबले में खेलने का उम्मीद कम है। यहाँ पर दोस्तों हर्षित राणा या फिर रवि बिश्नोई को मौका मिल सकता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर फिलहाल तो हम लोग दोनों को लेकर चलेंगे ही, साथ में पिछले मुकाबले में दोस्तों तंजीब हसन साकिब यहाँ पर खेले थे और पहले मुकाबले में ही इन्होंने 65 पॉइंट दिया है, लेकिन फिर भी इनको मात्र 31% लोग लिए हैं। तो आपको मेगा ग्राइंडिंग में इन्हीं सारे खिलाड़ियों पर फोकस करना है जिनको एक तो कम लोगों ने लिया है और वो आपको अच्छा खासा पॉइंट्स दिलाएंगे। तो बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों पहले तो मैंने टॉप ऑर्डर से दो सेफ ऑप्शन को रखा है, उसके बाद तंजीब हसन साकिब को मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बांग्लादेश की तरफ से 4 खिलाड़ी को लिया है, इंडिया की तरफ से 7 खिलाड़ी, और यहाँ पर मैं बांग्लादेश की तरफ से ज्यादातर ऑलराउंडर पर फोकस कर रहा हूँ जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। हालांकि पिछले मुकाबले में बांग्लादेश के ज्यादातर बॉलर्स ने 2-2, 3-3 विकेट लिया था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। टॉस इस मुकाबले में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉस के लिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पर जुड़ जाना है, सारा अपडेट आपको वहीं पर मिलेगा। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो दोस्तों सभी लोग क्या करेंगे कि हार्दिक पांड्या नहीं तो दोस्तों नितेश रेड्डी को फिलहाल तो सभी लोग सोच रहे हैं कैप्टन वाइस कैप्टन करने के लिए, लेकिन फिर भी अभिषेक शर्मा को 20% लोगों ने कप्तान किया है। तो हमारे जो पहले ग्रैंड लीग की जो टीम है उसके कप्तान अभिषेक शर्मा रहेंगे और वाइस कप्तान हार्दिक पांड्या। तो अभिषेक शर्मा को मैं थोड़ा सा रिस्क लेकर इनको मैं कप्तान बना रहा हूं। तो दोस्तों ये हो गई यहां पर हमारी पहली टीम कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे ये बोलना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर फटाफट से जुड़ जाइए और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस मुकाबले के ऊपर हम लोग एनालिसिस वाली वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसमें आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स है, तो फटाफट से जाकर वीडियो देख लीजिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस टीम हम लोग ने देखा उसकी टीम की प्रीव्यू के ऊपर। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम की प्रीव्यू जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगी। कप्तान हमारे अभिषेक शर्मा रहेंगे, वाइस कप्तान हार्दिक पांड्या। इंडिया की तरफ से टॉप ऑर्डर से दोस्तों मैंने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को लिया जो कि ओपनिंग करेंगे, सूर्य कुमार यादव, फिर हार्दिक पांड्या, नितेश रेड्डी। तो दोस्तों दो बैट्समैन, एक विकेट कीपर और दो ऑलराउंडर को मैंने लिया जो कि लाइन से दोस्तों बैटिंग करने आएंगे, फिर बॉलिंग से वरुण चक्रवर्ती, हर्षदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, नितेश रेड्डी। दो मैंने यहाँ पर मतलब दो ऑलराउंडर के मैंने बॉलर लिया, दो मैंने मेन बॉलर को लिया है। बाकी बांग्लादेश की तरफ से नजमुल हुसैन सांतो, दो ऑलराउंडर और एक तंजीब हसन साकिब को मैंने लिया है। तो इस टीम में मैं दोस्तों 2-3 ऐसे खिलाड़ी को रख रहा हूँ जिनको एक तो कम लोगों ने लिया है, जिसमें से दोस्तों नजमुल हुसैन सांतो हो गए, फिर यहाँ पर तंजीब हसन, इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। कैप्टन भी हमारे थोड़े यूनिक रहेंगे। तो ये रहेगी यहाँ पर हमारी पहली जो कि टीम रहेगी ग्रैंड लीग की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी टीम के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारी दूसरी टीम रहने वाली है ये दोस्तों कह सकते हैं कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को सपोर्ट करते हुए रहेगी, और जैसा कि पिछले मुकाबले में हुआ था बिल्कुल उसी हिसाब से रहेगी। यहाँ पर दोस्त मैं बांग्लादेश की तरफ से बॉलर्स पर फोकस कर रहा हूँ, मुस्तफिजुर रहमान और तंजीब हसन साकिब को मैं लिया हूँ और आर हुसैन और दोस्तों मेहदी हसन मिर्जा, क्योंकि बांग्लादेश के बॉलर्स और ऑलराउंडर्स ही थोड़े अच्छे फॉर्म में हैं, इनके बैट्समैन तो सारे अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। कप्तान हमारे सूर्य कुमार यादव रहेंगे, वाइस कप्तान यहाँ पर हर्षदीप सिंह रहेंगे, इधर से अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन को लिया हूँ, हार्दिक पांड्या को। तो ये टीम आपको दोस्तों तभी यूज करनी है जब इंडिया की टीम पहले मान के चले बैटिंग करे। तो दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को मैंने कप्तान किया है, या फिर चेस करते समय भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने बॉलर्स को भी लिया है इंडिया की तरफ से। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं मयंक यादव, वरुण चक्रवर्ती और हर्षदीप सिंह को लिया हूँ, विकेट कीपर तो हमारे संजू सैमसन है ही। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ज्यादातर बॉलर्स पर फोकस किया हूँ बांग्लादेश के, और साथ में दोस्तों इंडिया की तरफ से फिर भी मैंने 7 खिलाड़ी को तो रखा ही है, लेकिन आपको एक टीम ऐसी भी बनानी है जो कि बांग्लादेश को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हुए रहे, क्योंकि बांग्लादेश पलटवार भी कर सकती है। तो आखिरी टीम आप लोग के लिए थोड़ी सी बेहतर रहेगी, तो उसको लिए आप लोग वेट करिए। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी दूसरी टीम, कप्तान सूर्य कुमार यादव, हर्षदीप सिंह वाइस कप्तान, और सूर्य कुमार यादव कप्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे क्योंकि इनको ज्यादा कोई नहीं कप्तान बना रहा है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी तीसरी टीम के ऊपर। उससे पहले मैं आप सभी को बोल दूंगा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर आपको फाइनल टीम सारे अपडेट्स मिलेंगे, तो फटाफट से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं तीसरी टीम के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारी तीसरी टीम है ये पूरी की पूरी मिडल ऑर्डर को फेवर करते हुए टीम है, क्योंकि जैसा कि पिछले मुकाबले में देखा गया कि दोनों टीम्स के टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गए। तो दोस्तों मिडल ऑर्डर के प्लेयर्स जैसे नितेश रेड्डी हो गए, और दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह ने अच्छा खासा थोड़ा बहुत पारी को संभाला था, और उसी हिसाब से यहाँ पर मैं टॉप ऑर्डर के कम खिलाड़ी को ले रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने बांग्लादेश की तरफ से केवल एक ओपनर लिटन दास को लिया है और इंडिया की तरफ से एक ओपनर अभिषेक शर्मा को, बाकी दोस्तों कोई भी मैंने टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी को नहीं लिया है। केवल दोस्तों मैंने यहाँ पर टी हॉर्डे को लिया है
और रिंकू सिंह को बैटिंग सेक्शन से, जो कि मिडिल ऑर्डर और लो ऑर्डर का बैट्समैन है। बाकी हमारे कप्तान एक बार फिर से नीतीश रेड्डी रहेंगे। मेहदी हसन मिर्जा को ले रहा हूँ, हार्दिक पांड्या को, और मैंने चार बॉलर को लिया है और ऐसे ऐसे बॉलर को भी ले रहा हूँ जो कि पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे। तंजीज हसन, साकिब, तस्कीन अहमद और वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह जो कि पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अर्शदीप सिंह आते के साथ ही बांग्लादेश से जो खिलाड़ी को मैंने नहीं लिया है, नजमुल हुसैन सांतो को और इमोन को, उनको आउट कर देंगे। और इधर से तस्कीन अहमद मान के चलिए यहाँ पर संजू सैमसन को आउट कर देंगे। तो मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी दोस्तों पारी संभालेंगे। तो ये दोस्तों जो मेरी टीम है इस प्रकार से है, मतलब मान के चलिए बॉलर फ्रेंडली पिच रहा, बॉलर्स को मदद मिल रही है, तो उस हिसाब से रहेगी। कप्तान हमारे नीतीश रेड्डी, वाइस कप्तान वरुण चक्रवर्ती, और नीतीश रेड्डी की जगह पर आप लोग इस टीम में हार्दिक पांड्या को भी कर सकते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या को अगली टीम में मैंने कप्तान रखा है, तो मेरे हिसाब से नीतीश रेड्डी बेस्ट रहेंगे। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी तीसरी टीम कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर मैं 6 खिलाड़ी रखा हूँ इंडिया की तरफ से और 5 खिलाड़ी बांग्लादेश की तरफ से। थोड़ा बहुत मैंने बांग्लादेश की तरफ से झुकाव कर रखते हुए टीम मैंने बनाई है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं चौथी टीम के ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 95% और 99% लोग पूरी की पूरी इंडिया को सपोर्ट करते हुए बनाएंगे टीम, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो एक टीम आपको ऐसी बनानी है जो कि बांग्लादेश को सपोर्ट करे। तो ये उसी प्रकार से मेरी टीम है। बांग्लादेश की तरफ से मैंने 6 खिलाड़ी को रखा है और इंडिया की तरफ से 5 खिलाड़ी। विकेट कीपर से मैंने रिटन दास, संजू सैमसन को लिया है। यहाँ पर मैं अभिषेक शर्मा को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बाकी सारी टीम में मैंने अभिषेक शर्मा को लिया है। यहाँ पर मैं सूर्य कुमार यादव को रख रहा हूँ और इधर से नजमुल हुसैन सांतो। तो टॉप ऑर्डर से दोस्तों मैंने नजमुल हुसैन सांतो, लिटन दास को लिया है बांग्लादेश की तरफ से। फिर यहाँ पर आर हुसैन, मेहदी हसन मिर्जा और इधर से मैं मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद। तो 2 बॉलर, 2 ऑलराउंडर, 1 बैट्समैन और 1 विकेटकीपर मैंने लिया है बांग्लादेश की तरफ से, टोटल 6 खिलाड़ी। इंडिया की तरफ से संजू सैमसन को मैंने लिया है, 1 ओपनर, सूर्य कुमार यादव मिडल ऑर्डर से, फिर हार्दिक पांड्या हमारे कप्तान हैं, क्योंकि अगर दोस्तों पारी टॉप ऑर्डर से आउट होती है जल्दी जल्दी तो हार्दिक पांड्या के ऊपर बहुत दारोमदार रहेगा। यहाँ पर मैं दोस्तों नहीं लिया हूँ नीतीश रेड्डी को, यहाँ पर मैं उनकी जगह पर रियांग पराग को लिया हूँ, क्योंकि इनको बहुत ही लोग अंडररेट कर रहे हैं लेकिन बहुत ही प्रभावित करते हैं दोस्तों अपने बैटिंग से, आईपीएल में आप लोगों ने देखा होगा। और 1 बॉलर मैं अर्शदीप सिंह को रख रहा हूँ। ये दोस्तों जो मेरी टीम है चौथी टीम, ये थोड़ी बहुत बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए हैं, लेकिन हमारे कप्तान हार्दिक पांड्या ही रहेंगे क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से फिलहाल मुझे वैसा कोई खिलाड़ी दिख नहीं रहा है जो कि कप्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन रहे। चाहे तो आप लोग लेतन दास नहीं तो नजमुल हुसैन सांतो को थोड़ा और रिस्क लेकर कप्तान कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और इस मुकाबले के पूरे एनालिसिस वीडियो आप लोग फटाफट से यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का।